रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शहरों के नाम बदलने की बात पर कहा कि मूलतः नामों को उजागर कर रहा हूं। नाम बदलने का कोई मुद्दा नहीं, जिन शहरों के नाम मूलतः पूर्व नाम है वही किए जा रहे हैं। होशंगाबाद ईदगाह हिल्स के नाम बदलने का मुद्दा उठाया है रामेश्वर शर्मा ने। जी हां, अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ग्यारसपुर में अवधेश श्रीवास्तव के निवास पर रुके। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि भोपाल में ईदगाह हिल्स तथा होशंगाबाद के नाम पर मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, यह कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ इन स्थलों के इतिहास में जो मूलतः नाम थे उन्हीं के लिए प्रयासरत हूं, ताकि इनके जो मूल नाम हैं उनके नाम से इन स्थानों को जाना जाए। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश से इंडिया खबर लाइव के लिए शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। नाम बदलने का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसको लेकर हम क्या माने कि जो बाकी जो क्षेत्र उनके भी नाम बदले जाएंगे? मैं नाम बदलने का मुद्दा नहीं उठा रहा, मैं तो जो नाम है वो बता रहा हूँ, मैं मुद्दा थोड़ी उठा रहा हूँ। ईदगाह की जगह पहले गुरु नानक टेकरी थी तो मैंने गुरु नानक टेकरी नाम कहा, मेरी तरफ से नाम थोड़ी नहीं है, पुराना नाम उसका गुरु नानक टेकरी ही था तो गुरु नानक टेकरी कहो। अगर होशंग शाह लुटेरा था और होशंगाबाद उसने बनाया तो उसको हटाइए, पहले नाम नर्मदापुरम था तो नर्मदापुरम, प्रयाग को प्रयागराज ही कहेंगे क्योंकि प्राचीन नाम प्रयाग है, और इसलिए नाम हम नहीं बदल रहे। जिन लुटेरों ने, जिन आक्रांताओं ने संस्कृति सभ्यता मठ मंदिर और हिंदुओं को के साथ दुर्व्यवहार करके अपने नाम रखे हैं उन नामों को बदला जा रहा है, और हमारे जो अतीत के नाम है नर्मदापुरम नानक टेकरी उनको कहा जा रहा है, और जहाँ जहाँ इस तरह के लोग होंगे जो आक्रांता हैं, जो बर्बरता हैं, जिनने भारत भूमि के साथ अन्याय अत्याचार किया, औरंगजेब हैं, बाबर हैं, इनके नाम जहाँ जहाँ होंगे बदले जाना चाहिए।